मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस वेलकम, तो आपका हमेशा रहता है हमारे चैनल पे। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ अस। तो आज हमारी साल भर पहले, एक साल पहले हमने इस आज के दिन जो भी बोलिए, जो भी उस मोमेंट को बोलिए, खुशी का या जैसा भी आप बोलना चाहें, तो एक साल पहले हम उस हमारी शादी हम उस सागर में कूदे थे। इतना क्या लॉन्ग? और आज हमें एक साल हो चुका है। तो आज विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सेम टू यू। और ये इसने आज हमें सुबह, ये देखो मैंने ना कपल हुडी मंगाया था, इस एक्चुअली उल्टा दिख रहा है, लिख गया है इस पे, लिख रहा था मिसेस लेजी और इस पे लिखना था मिस्टर क्रेजी, पर इसने अपना वाला मुझे बनवा दिया और मेरा वाला इसे बनवा दिया लेजी मिसेस क्रेजी, क्योंकि और ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को भी ऑर्डर करना रहे तो कर सकते हो। क्रेजी मैं हूँ बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। एक्चुअली मैं लेजी का मिस्टर हूँ इसलिए मेरा नाम मिस्टर लेजी है, और ये क्रेजी की मिसेज है इसीलिए इनका नाम मिसेस क्रेजी है। हाँ। ऐसे है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज सुबह मतलब हम लोग नहावा के पूजा करके सबका, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके हमारा हो गया, और मंदिर हम लोग डेकोरेट अब करने वाले हैं। उसके बाद जब मंदिर वगैरह भी हो जाएगा फिर हम नाश्ता करेंगे। और आज नाश्ते में सिंपल ही बना रहे पोहा, क्योंकि मखाना दूध हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं, तो अब पोहा बनाएंगे। और फिर देखते हैं, मम्मी का वैसे मन है कि आज हम मंदिर भी जाएं, तो देखते हैं जैसा टाइम होगा वैसे फिर हम मंदिर भी जाएंगे पूरी फैमिली। और आज बहुत कुछ है करने को, तो हम आपको पूरी अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। अब हम सब लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी जाना है पापा की आँख का, बस एक चेकअप कराने रेगुलर जो होता है, और उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। तो अभी हम लोग जस्ट निकले घर। तो गाइज़ हम लोग अभी हॉस्पिटल के बाहर हैं, आपको मैं बाहर से, ये है हॉस्पिटल, यहाँ पे हम लोग आए हैं पापा के आँख का चेकअप कराने। ये सामने कैंटीन है, अंदर गए और हम दोनों यहाँ पर ही बैठे हैं। तो जब मम्मी ने अभी फ़ोन किया था, कह रही थी कि बहुत ज़्यादा अंदर रश है, तो उनको बहुत टाइम लगेगा, एक डेढ़ घंटे लग जाएंगे। तो हमें मंदिर भी जाना था, तो मम्मी वॉज लाइक कि तुम लोग चले जाओ, तो हमने बोला नहीं आप आ जाओ साथ ही में जाएंगे, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। तो अब हम लोग यहीं पर मम्मी पापा का इंतज़ार करेंगे, और जब वो लोग आ जाएंगे तो हम साथ में चले जाएंगे। हाँ, तो फिर अभी मम्मी पापा आ गए हैं हॉस्पिटल से, और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। कौन से जा रहे हैं? हनुमत धाम। हनुमत धाम मंदिर है जो हॉस्पिटल से वैसे ज़्यादा दूर नहीं था, कितना 15-20 मिनट था। तो अब हम लोग वहाँ पर अभी जा रहे हैं, और कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, और अगर पॉसिबल रहा तो आपको मंदिर का पूरा व्यू भी दिखाएंगे अगर अलाउड रहा तो। हमारा मंदिर का रास्ता है, वो मंदिर का गेट हनुमंत धाम, और अब हम इसमें एंट्री लेंगे। तो ये मंदिर में प्रवेश करते ही गणेश जी के दर्शन कीजिए एकदम सबसे पहले, और उसके बाद सामने ही देखिए आप बजरंगबली हैं। देखिए ये शिव जी, माँ पार्वती और गणपति जी की मूर्ति इस तरफ, और ये है मेन भगवान जी की मूर्ति, पर अभी वो उनको भोग लग रहा है इसलिए द्वार बंद है। ये देखो ये राम जी इनको पुष्प चढ़ा रहे हैं। ये देखो ये माता रानी जी का, और ये हनुमान जी। चलो ये देखो यहाँ भी हनुमान जी है, ये देखिए हनुमंत धाम है ना इसलिए। ये देखिए कितनी प्यारी, जा जा आप दोनों जने बैठो।
ये देखो मम्मी पापा भोले जी के, कि यहाँ पे सरस्वती जी है, यहाँ पर भी सेम हनुमान जी लेते हैं। अब हम लोग नीचे आ गए, ये मतलब मंदिर के नीचे का एरिया है ये देखो। और यहाँ पे बहुत बढ़िया तालाब भी है और बोटिंग भी होती है, तो हम देखते हैं अभी बोटिंग होती है कि नहीं, अगर अभी होगी तो हम बोटिंग भी करेंगे। ये देखो ये दिख रहा है ना फवारा, ये इवनिंग में चालू होता है। ये घूमने के लिए मतलब लॉन्ग वे, और ये यहाँ पे गोमती नदी है, और ये पूरा वाटिका टाइप पे लोग झूला झूल रहे हैं। ये देखो ये फाउंटेन अभी तो बंद करके रखा है, बोटिंग भी बंद है, आई थिंक वो इवनिंग में चालू होती है। हम सब लोग ना फर्स्ट टाइम आए इसलिए हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था। ये एक्चुअली हनुमंत धाम की जो एंट्री, और देखिए ऊपर ये एक्चुअली चारों तरफ से शिव जी का वो बनाया हुआ है, और देखिए चंद्रमा कितना सही उनके सर पे सेट किया हुआ, और वो शिवलिंग के चारों तरफ मुंह बनाया हुआ, तो बहुत ही सुंदर अप्रतिम। और ये बजरंगबली जी का टॉप एंट्रेंस आप देख लें। ये वाला प्राचीन है, प्राचीन मंदिर जो सबसे पहले यही था, अभी जो ऊपर आपको दिखाया है वो सब बाद में बना है, ये सबसे प्राचीन है। और ये देखिए कॉरिडोर, हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हनुमान जी बने। तो ये है प्राचीन बजरंगबली, और ये प्राचीन भोलेनाथ जी की मूर्ति। तो हम लोगों का दर्शन अच्छे से हो गया, और अब हम लोग घर के लिए वापस निकलेंगे, फिर हम अपने घर की सजाई करेंगे, सजावट करेंगे। हम लोग भूतनाथ मार्केट आए हैं, इसकी थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग करनी है फिर से थोड़ा सा, तो अभी हम ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि हम क्या खरीदा है। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई, अगर आपको दिख रहा हो तो यही छोटी सी की ली है इन्होंने, ये मेरी तरफ से आज इनको हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट है, ये मेरी तरफ से, बाकी सब सबकी तरफ से, ये मेरी तरफ से था। इसकी पेमेंट वैसे मैंने नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अब हम जा रहे हैं, क्योंकि शाम को हमने सोचा हम थोड़ा नॉर्मल कुछ बनाए बनाए, तो फिर हम उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर वो लेके हम यहाँ से सीधे घर जाएंगे। हमारी शॉपिंग हो गई जो हमें शाम को खाने वाने के लिए चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें सारा वो पिज़्ज़ा और केक वेक का सामान है जो हम बनाएंगे, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। इनको लग चुकी है भूख, और अब ये खाने जा रही हैं सैंडविच। मैंने ये डेकोरेशन का मंगा लिया था, ये मैंने शायद आपको ओपन भी करके दिखाया था, तो अब हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, हम घर पे आके खाना वगैरह खा लिया। तो फाइनली हमारी सात सजावट सब हो गई, सारे बलून्स वलून्स हमने फुला दिए हैं, जो लगाना था वो सब लगा दिया, और अब आप देख सकते हैं इन्होंने खा लिया। एक्चुअली वो पाइप से फुलाए हैं बलून्स, तो इनका ये हाल है। मैं तो थक गई भाई साहब। पार्टी की तैयारी चल रही है, ये बन रहा है पिज्जा, ये देखो पनीर, मशरूम, और यहाँ पे हम बना रहे हैं पिज्जा। ये हमारा दूसरा पिज्जा है और ये पहला, और अब हम तंदूर में, हम पहले सब रेडी करके रख लेंगे ताकि एक ही बार में तंदूर में गर्म हो, क्योंकि एक एक मिनट में ही तंदूर एक बार गर्म हो गया ना तो 50-40 सेकेंड में ही पक जाता है, तो इसके लिए हम लोग सब रेडी करके रखे। और मैं दिखाऊं, ये देखो अभी लाइट चालू करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ये देखो पूरे बलून, ये देखो अभी अच्छे से लाइट चालू करेंगे तो ऐसे सजाया है। और ये पापा घूम रहे हैं, ये देखो हमारे सारे पिज्जा रेडी हो गए, और अब बस ओवन में डालने की देरी है। ऐसी करना चाहिए।
पूरा डाल दूं? पूरा डाल दे मेरे को, थोड़ी मुंह तो इधर करो। हाँ कट टॉपी ये कट कर लें। आ जाओ अंकल मैं बना रहा हूँ। आपके ऊपर ज्यादा भरोसा वाले भी नहीं है कि देखेंगे कम। तो मेरे भी हाथ में लगा है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। नहीं लगे तो मैं लगा दूंगा, चिंता मत करो। रुको मैं खिलाती हूँ भाभी आप ना मुझे बस मैं फिरा देने ला। अच्छा हाँ मम्मी बता रहे थे मेरे पास तोला बढ़ाते जाना। मनी कम मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास। देखो आप तुम्हारे भैया बनाए हैं पिज्जा, तुरंत बना दिए। अरे बड़े जल्दी और किसी को तो बुलाना ना भैया, कौन किसी बुलाएंगे नहीं भाई। और आप भी व्रत रह गई बोली ममता कि भाभी भी तो है, वो भी तो उनको पिज्जा खाती ही होंगी और बच्चों को तो यही है पूरी और यही बना ले सबसे। चलो हो जाओ उसको खाओ। देखो तो गाइज अब फाइनली हम लोग अपने रूम में आके फिर ड्रेस वगैरह चेंज करके फ्रेश हो गए। ये जनाब तो लेट भी गए हैं और अब बस अब हम लोग जा रहे सोने। और आज हमारा दिन बहुत 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 अच्छा गया, बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छे से आज दिन फाइनली ख़त्म हो गया। और तो आपको हाँ एक साल कंप्लीट हो गया एंड आई विश कि ऐसे सारे साल बहुत अच्छे जाए। और ठीक है तो अब आपको हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।